हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस तरह का ये मुकुट बनाएंगे। ये मुकुट मैंने अपने पिछले वीडियो में जो ड्रेस बनाई थी उस ड्रेस के मैचिंग का मुकुट बनाया है मैंने। इस मुकुट में मैंने तीन रो शुगर बीट जिन्हें हम चीड़ भी बोलते हैं उनकी लगाई हैं, और आगे की तरफ मैंने ये पैच बनाया है जो मैंने घर पे ही बनाया है। और इसमें मैंने ब्लू और ऑरेंज कलर के रिबन से इसे बनाया है। ऊपर की तरफ मैंने अपनी जो पत्तियाँ बनाई थी वो पत्तियों से एक तरह की शेप में बना के उसके ऊपर ये इस तरह से पत्तियाँ चिपका के उसके ऊपर अपने मुकुट के ऊपर चिपका है। इस तरह मैं अपनी ये मुकुट या पगड़ी हम बनाते हैं। चलो हम इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाना शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलो मैं इसे बनाना शुरू करते हैं। ये मुकुट बनाने के लिए सबसे पहले हम इस तरह की एक कोई भी कार्डबोर्ड की पट्टी काट लेते हैं। ये पट्टी मैंने 4.5x1.5 इंच की काटी और 1/2 इंच के ऊपर मैंने एक निशान लगा लिया। अब इसे हम यहाँ से इस तरह से आगे की तरफ मैंने इसे इस तरह से कटिंग किया, हाफ फोल्ड करके इसे इस तरह से कटिंग कर देते हैं जिससे हमारा आगे का हिस्सा बन जाता है। अब इसे मैं इस तरह से यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ। पेस्ट करने के बाद हम इसे ऊपर से जहाँ पे हमने 1/2 इंच पर निशान लगाया है बारीक बारीक कट कर लेते हैं। तो मैं इसे कर लेती हूँ। इस तरह मैंने इसे पीछे से पेस्ट कर लिया है। ये आप अपने लड्डू गोपाल के सर के नाप से भी इसे आप पेस्ट कर सकते हैं। नाप के फिर इसे पेस्ट कर लें जिससे हमारे लड्डू गोपाल के आसानी से आ जाए। अब इसके बाद मैंने ऊपर से कैंची से छोटे छोटे कट कर लिए जो हमने निशान लगाया था वहाँ तक कट करते हैं। फिर इसे अंदर की तरफ इस तरह फोल्ड कर लेते हैं। इस तरह फोल्ड करने के बाद हम इसके ऊपर और नीचे दोनों तरफ इस तरह के दो सर्कल काट लेती हूँ। दोनों सर्कल मैं इसके ऊपर पेस्ट कर देती हूँ, ऊपर और नीचे दोनों तरफ। तो ये मैं फेविकोल लगा के दोनों तरफ पेस्ट कर देती हूँ उसमें। ये मैंने अपने पिछले वीडियो में बनाना बताया, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी मैं, वहाँ से आप इसे पूरा आराम से देख सकते हैं किस तरह से मैंने इसमें पूरे स्टेप बाय स्टेप बताया, या मैं आपको थोड़ा जल्दी करके बता रही हूँ। इस तरह में इसे अंदर से चिपका लेते हैं। अब इसी तरह इसमें ऊपर भी फेविकोल लगा के मैं इसे चिपका लेती हूँ और इसे ड्राई होने के लिए मैं रख देती हूँ। इस तरह हमारा ये मुकुट का बेस तैयार हो जाता है। तब इसे हम ड्राई होने के लिए रख देते हैं। अभी हमारा ड्राई हो गया। ड्राई होने के बाद जो हमारा ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा होता है उसे हम कट कर लेते हैं। इस तरह हमारा ये बेस तैयार हो गया। अब मैं आपको इसके ऊपर हम जिस कलर का बनाते हैं उसी कलर का हम कपड़ा, तो ये मैंने कपड़ा इसके ऊपर लगा लिया। तो मैं इसको आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हम चौकोर पीस काटते हैं जो ऊपर की तरफ इसमें ऊपर की तरफ फेविकोल लगा के चिपका देते हैं। चारों तरफ हम बारीक बारीक कट करके इसे इस तरह से नीचे की तरफ राउंड में करके ऊपर चिपका के इसे चारों तरफ से हम कट कर देते हैं। बारीक बारीक इस तरह से राउंड कट कर लेते हैं और फिर इस तरह से हम जिस तरह हमने अपने बेस को कट किया था इस तरह कट करते हुए इसके चारों तरफ हम चिपका देते हैं। फिर हम एक लंबी पट्टी लेते हैं। लंबी पट्टी को हम इस तरह से इसके ऊपर उल्टा लगाते हैं ऊपर की तरफ और फिर इसे अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए नीचे की तरफ कट करते हुए इसे लगा देते हैं। इस तरह हमारे बेस के ऊपर हम अपना जो भी कलर का बनाते हैं वो कपड़ा हम लगा लेते हैं। इस तरह मैंने इसे ये पूरा फेविकोल लगा के इसे पेस्ट कर लिया है और मैं आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, वहाँ से आप इसे पूरा देख सकते हैं। मैंने पिछले वीडियो में पूरा स्टेप बाय स्टेप इसे बनाना बताया है तो आप वहाँ से इसे देख सकते हैं। अब इसके ऊपर हम अपने जो हमारा साठन का रिबन है उस रिबन को इसके ऊपर हम लगाते हैं। ये मैंने ऑरेंज कलर का और ब्लू कलर का रिबन लिया है जो मैंने अपनी ड्रेस में भी यूज़ किया था। अब हम ऑरेंज कलर का रिबन होता है उसे थोड़ा सा खोल लेते हैं और इसे हल्का सा इस तरह से ट्विस्ट करते हुए इस तरह से घुमाते हुए अपने इस रिबन के ऊपर ही इसे फोल्ड कर लेते हैं जिससे हमारे खुले ना। क्योंकि हमको इसके ऊपर दूसरा रिबन लगाना रहता है इसलिए हम इसे पूरे को इस तरह से थोड़ा लंबाई में से ट्विस्ट कर लेते हैं। इस तरह मैंने थोड़ी दूर में से ट्विस्ट कर लिया। अब इसके ऊपर हम अपना दूसरा रिबन भी लेते हैं
इसका मुंह भी लेती हूँ मैं, अभी दोनों का मुंह लेती हूँ इस तरह से, और इसे अपने बेस के ऊपर की तरफ यहाँ लगा देती हूँ। तो मैं इसे हॉट ग्लू की मदद से लगाती हूँ। पहले दोनों रिबन को हम चिपका लेते हैं, और फिर अपने बेस के जो हमने सेंटर जहाँ पे हमने कटिंग की थी वहाँ पे हम इसे ऊपर की तरफ इस तरह से चिपका देते हैं। नीचे का तो हमने राउंड किया हुआ है, अब इसके ऊपर हम इस तरह से इसे ब्लू वाले को इस तरह से राउंड कर देते हैं। पहले से हल्का सा ट्विस्ट होता है तो इतना ज़्यादा हमारे को करना नहीं पड़ता है, क्योंकि हम दूसरा रिबन लगाते हैं, एक रिबन लगाते हैं जब तक तो कोई दिक्कत नहीं आती हमें, दो लगाने से थोड़ा सा दिक्कत आती है। तो इस तरह हम इसे ट्विस्ट करते हुए इसके चारों तरफ इस तरह लगा लेंगे। नीचे वाले को ट्विस्ट करेंगे, फिर ब्लू वाले को ऊपर लगा लेंगे इसके इस तरह से। तो कहीं कहीं हमारे ब्लू रिबन भी हमारे दिखाई देता रहेगा। इस तरह मैं इसको पूरे को लगा लेती हूँ इसमें। इस तरह हमारी फर्स्ट रो गई। इस तरह लगाते हुए मैं इसे नीचे तक चारों तरफ लगा लाती हूँ। इस तरह हमने चारों तरफ राउंड लगा के इसे पूरा कर लिया। अब लास्ट में आ गई, लास्ट में आ गए। तो लास्ट में हम इसे जहाँ पे हमने आगे का हिस्सा था जहाँ हमने कट किया था उस हिस्से के ऊपर इस तरह हम इसे तिरछा ले जाते हुए ऊपर की तरफ हम इसे ले जाके इस तरह बंद कर देते हैं, कट कर देते हैं सॉरी। तो मैं इस तरह यहाँ पर इसे ले जाते हुए इसे कट कर लेती हूँ। चाहे तो हम इसे हल्का सा ऊपर भी हो राउंड में लगा सकते हैं, जैसे हमारे ऊपर का हिस्सा नहीं दिखाई दे, तो हम हमारे ऊपर डिपेंड होता है। इस तरह हमारी ये पूरी पगड़ी के ऊपर मैंने ये हॉट ग्लू लगा के अपने पूरे रिबन को पेस्ट कर लिया। मैं ऊपर की तरफ हल्का सा ऑरेंज कलर से इसे पेस्ट कर देती हूँ ऊपर से। जो मैंने ऊपर का हिस्सा है ऑरेंज रिबन से पूरे को पेस्ट करके इसे दबा दी। अब हम इस तरह का टैक्रो का चौकोर पीस लेते हैं। इसके नीचे के हिस्से को तो इस तरह से फोल्ड कर देते हैं और ऊपर वाले हिस्से को थोड़ा सा हम राउंड में काट देते हैं। अब इस तरह हमारा सामने का हिस्सा होता है उसके ऊपर हम इस तरह से लगाते थे इसे। तो इसके ऊपर हम जो हमने ड्रेस के अंदर पत्तियां बनाई थी उन पत्तियों को इसके ऊपर हम पेस्ट कर देते हैं। ऊपर तक मैंने पांच पत्तियां लगा ली है, सेकंड रो के अंदर हम चार पत्तियां लगा देंगे। हमारा ये कंप्लीट हो जाता है। वैसे नीचे की तरफ इस तरह से फोल्ड करते हुए हम अपनी बेस पे आगे की तरफ इस तरह से लगा देते हैं। तो मैं इसे आगे की तरफ इस तरह फोल्ड करते हुए लगा देती हूँ।
इस तरह के हम सुगर बीड लेते हैं जिन्हें हम चीड़ भी बोलते हैं। इन्हें मैंने सुई धागे के अंदर इस तरह एक रो के रूप में पिरो लिया है। जहाँ जहाँ हमारी ये रो है वहाँ वहाँ हम फेविकोल से एक एक रो लगा देते हैं। यहाँ से मैं शुरू करती हूँ, हम इसमें दो या तीन रो लगा देंगे। हमने फर्स्ट रो लगा दिए, अब मैं इस तरह से सेकंड रो लगा देती हूँ। इसे हम ड्राई होने के लिए रख देंगे। इस तरह का मैंने पैच बनाया है, जो पैच इसके ऊपर यहाँ पे हम इस तरह से लगा देते हैं। तो ये पैच में फेविकोल से लगा देती हूँ। इसको हम हल्का सा तिरछा करते हुए लगाते हैं। इस तरह हमारा मुकुट बनके तैयार हो गया है। आगे तरफ ये पैच लगा दिया और ये तीन रो मैंने सुगर बीड या चीड़ की लगा के इसे कंप्लीट कर लिया। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट्स करके बताइए कि आपको कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।